हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज्योमेट्री पार्ट से। हम आज ज्योमेट्री का एक थ्योरम, इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जिसका स्टेटमेंट यहाँ सामने लिखा हुआ है। पहले उस स्टेटमेंट को समझते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट The other two sides are divided in the same ratios. Clear है? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर पूरा डिटेल में चलेंगे। If a line drawn parallel to one side of a triangle, एक ट्राइंगल बनाया हम लोगों ने, ठीक है? If a line drawn parallel to one side, एक साइड के पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है? A, B, C. If a line parallel to one side of a triangle to intersect two distinct points and remaining two sides, then it is divided in these two sides in same ratios. अब इसको हम systematic ढंग से करते हैं। Same ratios का मतलब हो गया A, यहाँ D और E इसका नाम दिया, तो AD upon DB is equal to AE upon EC, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। अब इस theorem को हम prove करेंगे। इस थ्योरम को का एक और नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और दूसरा इसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। बी पी टी इट मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक टी थ्योरम, ओके। चलिए अब इसको हम कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने स्टेटमेंट बताया था, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हम बोले था इन अ ट्राइंगल, तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं। एक ए बी एंड सी इन अ ट्राइंगल, अ लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया हमने, ये डी इसका नाम देते हैं डी और E, align parallel to drawn one side, divide remaining two sides in same ratios. इसका मतलब इसको जो भी इसमें बोल रहा है इसको हम इस तरफ लिखते हैं। जब भी कोई भी theorem prove करने जाते हैं तो सबसे पहले हम इसमें given point लिखते हैं। क्या given है? In triangle ABC, DE parallel to BC. Okay? BE parallel to BC, ये अपने को गिवन है, अपने को बोला है कि ये प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ को टू प्रूफ में लिखते हैं। टू प्रूफ डिवाइड रिमेनिंग टू साइड्स इन सेम रेशियोस, इट मींस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन CE बोलो या EC बोलो, एक ही बात है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन CE, फिर ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट में आएगा। कंस्ट्रक्शन, अब क्या कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वो देखिए। कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि जो साइड एसी है उस पर डी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और दूसरा एबी पर एक परपेंडिकुलर ई पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। क्लियर? इनका नाम दे देते हैं डी एफ एंड ई जी, क्लियर। और बी को ई से हम ज्वाइन करेंगे और सी को बी से ज्वाइन करेंगे, क्लियर। क्या किया? सब कुछ क्लियर है। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ई जी परपेंडिकुलर ऑन बी ए बी एंड ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी। ये जो कुछ भी किया हम इस कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। क्या किया हमने? सबसे पहले डी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, सेकेंड ई जी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ज्वाइन बी टू एंड
सी टू बी, इतना काम हमने कंप्लीट किया, इसको प्रूफ कर लेंगे। अब बाकी जो पार्ट आएगा वो प्रूफ के अंदर आएगा। प्रूफ सबसे पहले हम इसका इतना वाला पार्ट लेते हैं प्रूफ करने के लिए। कैसे, देखिए इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ई। इसके अंदर कॉमन परपेंडिकुलर सी, सॉरी कॉमन परपेंडिकुलर ई जी है। ओके, अब ये कॉमन कैसे, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास एक पॉइंट है यहां पर, ठीक है, और एक लाइन समझ लीजिए, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो बहुत आगे तक जा रही है, ठीक है, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, अब क्या करना है मुझे, मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया और एक ट्राइंगल मैंने दूसरा बनाया ये वाला। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा, इन ट्राइंगल ए इसका नाम लेते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये पी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। तो मैं बात करूंगा जब ट्राइंगल ए ओ सी, तो परपेंडिकुलर हमारा ओपी रहेगा, लेकिन जब मैं ट्राइंगल ए सी या ए ओ सी की बात करूंगा, ठीक है, उस समय परपेंडिकुलर क्या है, फर्स्ट मैंने बात किया बी ओ सी, तो उस समय परपेंडिकुलर आपका रहा ओपी, और जब मैं बात करूंगा ए ओ सी उस समय भी इस पॉइंट से परपेंडिकुलर यही रहेगा। हाँ, माना कि ये बाहर की तरफ है लेकिन फिर भी परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, क्लियर है, इस स्ट्रेट लाइन पे। इसी कॉन्सेप्ट को हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए कि इन ट्राइंगल्स ए डी एफ परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इजी, और बी डी ई में परपेंडिकुलर हमेशा इजी रहेगा क्योंकि ये लाइन ए बी की बात कर रहा है, क्लियर। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई कॉमन एल्टीट्यूड ई जी, अल्टीट्यूड बोलिए या परपेंडिकुलर बोलिए एक ही बात है, क्लियर। तो हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट या एल्टीट्यूड जो भी लीजिए आप, सेम इज हियर, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्लियर। क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ से हाफ अपना कैंसिल हो गया, बेस चलते हैं ए डी ई के पास चलते हैं, फिर ट्राइंगल ए डी ई, क्या इसमें आप देखो तो ए डी ई बेस हमारा क्या बनेगा, ए डी, ए डी बेस इंटू एल्टीट्यूड जो है हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ई जी, इसमें भी देख सकते हैं ई जी अपॉन। अब मैं बात करूंगा ट्राइंगल बी डी की, बी डी ई उसके अंदर हमारा बेस बनेगा बी डी और एल्टीट्यूड बनेगा हमारा ई जी, क्लियर, बी डी एंड ई जी, ई जी से ई जी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा रिमेनिंग पार्ट, खाली हमारा इतना पार्ट बचेगा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं कंक्लूजन को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम बात करेंगे सेकेंड वाले इक्वेशन की, ये इसका ये वाला पार्ट आ गया, इस वाले पार्ट की बात करेंगे हम लोग, इस पार्ट के लिए सेम वही सिचुएशन, इन ट्राइंगल दूसरा वाला मैं डायग्राम इस साइड में बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ए बी ई एंड सी, ओके, परपेंडिकुलर है हमारा एफ डी एफ परपेंडिकुलर है, तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, पहला ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ए बी ई और दूसरा ट्राइंगल सी ई,
बी, क्लियर है। इसके अंदर हमारा जो परपेंडिकुलर इस समय हो जाएगा एल्टीट्यूड डीएफ हो जाएगा दोनों के लिए, सेम पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट था सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी ई डी कॉमन एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हमारा है डी एफ, क्लियर। चलिए सिमिलरली उसी की तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED is equal to half into base into perpendicular or you may say altitude, base into altitude. क्या हो जाएगा area of triangle ADE upon area of triangle CED equal to half से half कैसे base क्या हो जाएगा ADE में, ए डी ई में इसमें बेस आपका ये बनेगा बिकॉज परपेंडिकुलर हमेशा इसके ऊपर है एसी के ऊपर, तो बेस हो गया हमारा ए ई एंड डी एफ, बेस हो गया ए ई इनटू एल्टीट्यूड हमारा हो गया डी एफ अपॉन सेम यहां पर बेस हो जाएगा इस समय सी ई इनटू एल्टीट्यूड होगा हमारा वही कॉमन जो है, इससे एक ऐसे हो गया क्या बचता है मैंने किया खाली इतना पार्ट बच रहा है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। इसको यहां पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब इस डायग्राम का मैं नीचे वाला पार्ट लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी वाला पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखिए इस डायग्राम को मैं इधर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, डी सी डी और ई ठीक है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अपने को दो चीजें देखती है डी ई पैरेलल टू डी सी विच इज ऑलरेडी हमें जीवन है, उसमें इन दोनों के बीच में हमेशा दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, देखिए ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी ई डी, इन ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी ई डी ध्यान से देखिए ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी ई डी, ये दोनों ट्राइंगल इसमें कॉमन बेस क्या है हमारा डी ई और सेम पैरेलल लाइंस डी एंड BC के बीच में ये ट्राइंगल बने हैं, तो नाइन्थ क्लास की एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि जब दो ट्राइंगल्स सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है, इट मींस इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए इन ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी ई डी आर लाइज ऑन सेम बेस डी ई एंड सेम पैरेलल लाइंस और उनमें से कॉमन पैरेलल लाइंस सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी डी ई and BC, therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle CED, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं area of triangle ADE से दोनों ही तरफ LHS और RHS में डिवाइड करूंगा, dividing both side एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, देखिए डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, यहां तक क्लियर है। इसके आगे मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, रेसिप्रोकल इन द सेंस
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, दोनों ही LHS RHS में दोनों ही सेम ऐसा है, तो ये ऐसा बन जाएगा। देखिए आप इसके आगे, इसके आगे क्या करने वाले, रेसिप्रोकल किया हमने, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू, ये भी ऊपर जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा सी ई डी। क्लियर यहां तक? अब ध्यान से देखिए, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं यहां ऑफिस लिखता हूं, कंक्लूजन हम बार बार इधर ही लिख रहे थे जिससे हमें कंपेरिजन करने में आसानी होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब सबसे मेन काम जो है वो अब, ठीक है, जो कुछ हमें लाना था वो सब हम ला चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको कंपैरिजन कर दे, हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ काम की चीजें मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 के अंदर इसका जो LHS वाला पार्ट है और इक्वेशन 3 का जो है उसका LHS पार्ट, दोनों ही क्या है, सेम दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी सेम है चीज। इसी तरह इक्वेशन 2 जो है और इक्वेशन 3 का जो RHS वाला पार्ट है उसके LHS वाले पार्ट के इक्वल है। क्लियर है? मतलब इसका LHS पार्ट और इसका RHS पार्ट, इसका LHS पार्ट इसके LHS के इक्वल है, तो इसके LHS के प्लेस में ये वाला लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, AD अपॉन BD। क्लियर है? इक्वल टू इसका RHS इस इक्वेशन 2 के RHS के इक्वल है, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, इसके प्लेस पे ये वाला लिख सकता हूं, लिख देते हैं इक्वल टू AE अपॉन CE। क्लियर? और इसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें जो भी प्रूफ करना था वही हमारा आंसर। देखिए आप, क्लियर है, समझ में आया? वापिस ये वापिस देख लीजिए आप कि इसका जो LHS है इसके इक्वेशन फर्स्ट के LHS के इक्वल और इसका जो RHS है इसके इक्वेशन 2 के LHS के इक्वल, तो इक्वेशन 2 के LHS इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू पूरा हमने यहां लिख दिया, यहां नीचे देखिए आप, और यहां इसके प्लेस पे इसके इसके इक्वल था तो ये वाली जो वैल्यू थी उठा के हमने यहां लिख दी, तो दोनों इक्वल होगी। इस तरह से हमारी PPT थ्योरम प्रूफ होती है। ये आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा एज इट इज जाता है, ठीक है, तो आपको ऐसे के ऐसे लिखना है और आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हैं। अगर कहीं भी कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप बेहिचक हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आता है, नेक्स्ट सेशन में हम इसके कन्वर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।